आइए इस वीडियो में हम आपको टू डायमेंशनल प्रोजेक्टाइल मोशन यानी द्विविमीय प्रक्षेप्य गति के बारे में बताएंगे। हम तोप के एक गोले को अलग अलग कोणों पर दागेंगे। हम पाएंगे कि गोला दागे गए कोणों के अनुसार अलग अलग ऊंचाइयों तक जाता है और अलग अलग क्षैतिज दूरी यानी हॉरिजॉन्टल रेंज पर गिरता है, पर हर बार उसकी ट्रेजेक्टरी पैराबोलिक यानी परवलयाकार पथ ही होती है। हम हर बार गोला दागते समय गोले की गति 20 मीटर प्रति सेकंड रखते हैं, वायु के घर्षण को नगण्य मानते हैं। यह देखिए, गोला 30 डिग्री के कोण पर दागा गया। अब यह अधिकतम ऊंचाई 5.1 मीटर तक गया और अधिकतम क्षैतिज दूरी, जिसे क्षैतिज परास भी कहते हैं, 35.35 मीटर तय किया। संबंधित फार्मूले दर्शाए गए हैं। इसी तरह हम गोले को 45 डिग्री और 60 डिग्री के कोणों पर दागते हैं। इन्हें देखिए। हम पाते हैं कि 45 डिग्री पर दागे गोले का क्षैतिज परास यानी हॉरिजॉन्टल रेंज अधिकतम होता है। 45 डिग्री से जितने डिग्री कम या अधिक कोण से दागा गया गोला समान दूरी तय करता है, यानी 45 + 15 डिग्री बराबर 60 डिग्री पर दागा गया गोला उतनी ही क्षैतिज दूरी तय करेगा जितना 45 - 15 डिग्री बराबर 30 डिग्री पर दागा गया गोला क्षैतिज दूरी तय करता है।